रहा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। परमात्मा की अभिव्यक्ति इस जगत में तीन चार स्तरों पर हमको पहचाननी है और इस परमात्मा की अभिव्यक्ति को पहचानने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। और इसके लिए सबसे पहले हम लोग जहां फंसे हैं वहीं से हमको उठाना है। तो समझो कोई व्यक्ति जमीन पर पड़ा है गिर गया तो जमीन का ही सहारा लेकर के उठेगा वो। यदि पानी में गिर गया तो पानी का ही सहारा लेकर के उठेगा। उसी प्रकार से हम जहां पड़े हैं वहीं से हमको ऊपर उठना है। तो हम लोग पड़े हैं अपने देह के अध्यास में, हमने अपने आप को देह के रूप में स्वीकार कर लिया और उसी में फंसे हुए हैं। तो इस देह से ऊपर उठने के लिए सबसे पहली जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का नाम है कर्म करना। निकम्मा होकर के रहना ये सबसे बड़ा पाप है। और इसलिए पहले हमको शास्त्र बताते हैं कि अमुक अमुक करने से स्वर्ग में जाओगे, बड़े अच्छे अच्छे भोग मिलेंगे, मौज होगा। और वो लालच देकर के ही फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो तो मनुष्य की वणिक वृत्ति जो है ना, वणिक वृत्ति माने मुझे क्या मिलेगा, ये जो मुझे क्या मिलेगा वृत्ति है उसको लेकर के हमारे शास्त्रों में अच्छे कर्मों के अच्छे फल और बुरे कर्मों के बुरे फल ये सिद्धांत बना दिया है। और इसी के द्वारा हमारे जीवन में जितनी विविधता है उसका हम योग्य प्रकार से विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अच्छे घर में पैदा हुआ है, शरीर स्वस्थ स्वास्थ्यमय है, किसी प्रकार के रोग नहीं है, तो एक तो व्यक्ति ऐसा पैदा हुआ। दूसरा ऐसा है कि बेचारे को दुनिया भर के रोग है और स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और झोपड़पट्टी में पैदा हुआ है। तो ये जो विविधता हमको जगत में दिखने को मिलती है, तो क्या कोई पिता ऐसा होगा कि जो चाहेगा अपना एक अपत्य जो है वो तो अच्छा बने और दूसरा खराब बने? कोई पिता नहीं चाहेगा। तो फिर ये परमात्मा की दुनिया में ये जो विविधता हमको दिखती है उसके पीछे क्या कारण होना चाहिए इस पर हम लोग विचार करते हैं। वैसे देखा जाए तो विचार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि विचारों के कारण हम दुखी है, इसीलिए काउंटर विचार करके उसमें से निकल जाना है। तो शास्त्र बताते हैं कि जो हमको इस जगत में इस समय मिलता है उसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है हम स्वयं। जैसे हमने अच्छे बुरे कर्म पिछले जन्म में किए हैं उसके अनुसार हमको इस जन्म में सब कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एक बार ये सिद्धांत कर्म का स्वीकार कर लिया तो व्यक्ति अपने जीवन के दुखों के लिए दूसरों को बदनाम करना बंद कर देता है। जब व्यक्ति अपने जीवन के सुख दुख को लेकर के दूसरों को बदनाम करना बंद कर देता है उसके बाद उसमें साधक का जन्म हो गया है। जब तक हम दूसरों को बदनाम करते रहेंगे तब तक ये अभी साधक नहीं है, अभी संसारी ही बने हैं। अच्छा, एक बार हमने अपने जीवन के सभी चीजों के लिए स्वयं जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, अब उसके बाद बात आती है कि हमारा जो अगला जीवन है उसको ठीक चलाने के लिए भी हम ही जिम्मेदार होंगे। और इसीलिए अपने जीवन को ऐसा चलावे कि जिसके द्वारा हमारा अगला जो जन्म है या अगला जो जीवन है वे ठीक से चले। और उसके लिए फिर कर्म का सिद्धांत हमारे शास्त्रों ने बताया है। क्योंकि व्यक्ति जब निकम्मा बनता है,
मोह में आकर के अपनी जिम्मेदारी छोड़ के भाग जाना चाहता है, यही मनुष्य का अधप पतन है। यही बात हुई थी भगवद गीता में अर्जुन के साथ, और इसीलिए भगवद गीता का उपदेश हुआ। अब सवाल यह आता है कि व्यक्ति कर्म के सिद्धांतों को स्वीकार करे या कर्म योग के सिद्धांतों को स्वीकार करे। दो बातें हैं, एक है कर्म का सिद्धांत, दूसरा है कर्म योग का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत क्या है? पाप करो तो अच्छा बुरा मिलेगा, पुण्य करो तो अच्छा मिलेगा। सरल सरल गणित है, ये कर्म का सिद्धांत है। तो जीवन में हमको कर्म का सिद्धांत स्वीकार करने के पश्चात कर्म योग का अनुष्ठान करना है, ये समझ लेना है। कई बार कर्म का सिद्धांत और कर्म योग का अनुष्ठान, इसका भेद बुद्धि में स्पष्ट नहीं होता। तो कर्म योग का अनुष्ठान करेंगे माने क्या? जब हमको मालूम है कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल सुख दुख होता है, तो जब तक हम अच्छे बुरे के चक्कर में फंसे रहेंगे तब तक के इस सुख दुख के ऊपर नहीं उठ पाएंगे। और सुख दुख दोनों भी सापेक्षिक है, सुख का तात्पर्य दुख की ही सापेक्षता में होता है। इसीलिए इससे ऊपर उठने का कोई उपाय है क्या? तो बोले जरूर है। और कौन सा उपाय है? फिर वहां आता है कर्म योग का सिद्धांत। कर्म योग के सिद्धांत में पहले भगवान ने हमारी जो कर्म को लेकर के गलत फहमियां है उसको हटा दिया। न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो श्रुते, केवल कर्म प्रारंभ ही नहीं करेंगे तो पाप नहीं लगेगा, ये गलत धारणा है। दूसरी बात, न च संन्यासनादेव, यदि केवल कर्म का संन्यास कर दे तो उससे भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि नहीं कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठति अकर्मकृत। इस जगत में कोई भी व्यक्ति बिना कुछ किए नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ करेगा ही। यदि ठीक से नहीं करेगा तो खुराफात करेगा। जैसे बच्चों को गर्मी के दिनों में अपने आप में खेलने दो तो घर में शांति रहेगी, उनको घर में बांध के रखो तो फिर देखो खुराफात शुरू हो जाएगी। उसी प्रकार से हमको अपने आप को इतना बिजी रखना है कि गलत कार्य, गलत विचार और गलत धारणा को डेवलप ही नहीं होने देना है। और इसीलिए हम अपने आप को कर्म में बिजी रखें। यदि कर्म में बिजी रखेंगे और अनशन कर्म करते रहेंगे तो उसके द्वारा भी सुख दुख की निर्मिति होगी। तो फिर कैसे कर्म करने हैं? जो जो हमारे कर्तव्य कर्म है उनको हमको करना है। तो कर्मयोग का जो दूसरा सिद्धांत है वो ये है कि हमारे कर्तव्य कर्मों को पूरा करना, ये हमारे लिए ही उपकारक है, हानिकारक नहीं है। तो जब हम अपने कर्तव्य कर्म पूरे करते हैं तो उसका प्रभाव कहां आ रहा है, ध्यान ये रखना। यदि हमारे कर्तव्य कर्मों का प्रभाव जगत पर क्या हो रहा है इसको यदि हम देखेंगे तो हम बन गए समाज सेवक। एक जगह में मंदिर था और मंदिर में जो भी मंदिर होता है उसमें सबसे महत्व का कौन होता है? किसी भी मंदिर में भगवान, फॉरगेट अबाउट इट। सभी मंदिरों में महत्व के होते हैं ट्रस्टी, भगवान ही महत्व का होता है, क्योंकि मंदिर चलाते हैं ट्रस्टी, भगवान तो बैठे हैं ना, मंदिर को तो चलाना है। तो एक मंदिर था और वहां भोले बाबा का मंदिर था, आराम से भोले बाबा बैठे हैं और मस्ती चल रही है। तो वहां के जो मैनेजर थे वो हमेशा इसी चक्कर में, लोग ठीक से लाइन से आते नहीं, ठीक से बैठते नहीं है, ठीक से प्रसाद नहीं होता, और सबको डांटते रहना, ये करो वो करो, ये करो वो करो, यहां तक के भोले बाबा को भी जरा ठीक से आशीर्वाद देना सबको, राम राम राम। कारण क्या? जो उस मंदिर की देखभाल करता है वो भगवान को नहीं देखता। देखो भैया, कर्मयोग के सिद्धांत का तात्पर्य ये है कि इसका प्रभाव अपने अंतकरण पर हो रहा कि नहीं हो रहा। यदि अपने कर्मयोग का प्रभाव हम जगत में कैसा हो रहा है इसके ऊपर हमारा ध्यान रखेंगे तो हम तो कर्म के बंधन में आने वाले हो गए हैं, देख लेना महाराज। इसीलिए इस कर्म योग का अनुष्ठान करने से अंतकरण की शुद्धि यही अपेक्षित है।
और यदि अंतकरण की शुद्धि में हमारा ध्यान नहीं गया तो हम कर्म नहीं कर रहे हैं, हम केवल श्रम मात्र कर रहे हैं और कष्ट जीवन में आएंगे। अच्छा महाराज, तो जब ये बात समझ में आ जाती है कि कर्मयोग के अनुष्ठान से अंतकरण की शुद्धि यही अंतिम लाभ है, कर्मणा ही संसिद्धि आस्थिता जनका दया, तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कर्म के अनुष्ठान के द्वारा ही जनक आदि राजाओं ने समसिद्धि माने कौन सी अंतकरण के शुद्धि को प्राप्त किया है। तात्पर्य क्या निकला, जब कर्म योग का प्रभाव अंतकरण के शुद्धि में है ये बात दिमाग में बैठ गई। दूसरी बात, जब अंतकरण की शुद्धि सबसे महत्व की वस्तु है संपूर्ण विश्व में, ये बात जब दिमाग में आ गई तब आदमी उसके लिए कार्यान्वित होगा। अभी हम कहा गए थे, हाँ एक नाग मंदिर है केरला में गए थे, वहां एक नाग मंदिर है बहुत पुराना है, कम से कम 100-150 साल से भी ज्यादा पुराना है, जंगल में है, और वहां जो पुजारण है वो स्त्री है और वो उनकी परंपरा से चल रही है पुजारण। पहले उसकी जो दादी माँ थी वो थी, फिर उसकी माँ थी, फिर अब ये लड़की जो है ये है, और ये भी लड़की कितनी, ये भी 80 साल की लड़की है। अब इस प्रकार से ये परंपरा से चल रहा है। तो वहां हम गए, नमस्कार चमत्कार किया, बहुत जागरूक देवस्थान है और कई लोगों को लाभ होता है। तो जब हम वहां गए नमस्कार किया तो उन्होंने हमको कहा, हाँ जी बम्बई के सन्यासी जी आप क्या चाहते हो, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट डू यू वांट, क्योंकि वहां जितने भी लोग जाते हैं कुछ ना कुछ मांगते हैं। हमको पूछा उन्होंने तुमको क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, हमको प्रॉब्लम खड़ा हो गया, प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ, बोले प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं, बोले फिर क्या चाहते क्या हो, कुछ चाहते भी नहीं, बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, आपको यहां कुछ मांगना पड़ता है। तो जब हमको कहा कुछ मांगना पड़ता है तो हमारे साथ जो बाकी लोग थे अब देखते स्वामी जी क्या मांगते, स्वामी जी क्या मांगते, स्वामी जी क्या मांगते। तो हमने कहा कि भैया कुछ मांगना ही है देना ही है, तो नाग देवता को कहो कि हमारा अंतकरण हमेशा शुद्ध और पवित्र रहे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे साफ कपड़े का महात्म्य हृदय में आने के बाद आदमी अपने आप साफ कपड़े पहनता है, उसी प्रकार से अंतकरण के शुद्धि का महात्म्य जब अपने हृदय में जागृत हो जाता है तो उसके द्वारा हमारा ध्यान रहेगा, जो भी कुछ हम कर रहे हैं जगत में उसके द्वारा अपने अंतकरण की क्या स्थिति है इस पर ध्यान रखो। शायद पिछले बार हमने आपको बताया कि याद नहीं हमको, एक बार वाराणसी में बहुत बड़ी सभा हो रही थी और उस सभा में पंडित मदन मोहन मालवीय जी को स्टेज के ऊपर में किसी व्यक्ति ने अपने प्रवचन के माध्यम से, वो भी साथ में बैठे हुए थे, बड़े अच्छे पॉलिटिशियन के साधु संत थे, पहले संत थे फिर पॉलिटिशियन थे, तो उनको उल्टी सीधी बात उनको सुना दी सबके सामने लेक्चर में। तो उनके बगल में पंडित नेहरू भी बैठे हुए थे, तो नेहरू जी ने उनको कहा कि मालवीय जी सुना दो, डोंट स्पेयर दिस फेलो इज ए टेरिबल मॉन्स्टर। तो उन्होंने कहा कि उनके प्रति अपशब्द निकाल करके मैं अपना मुंह क्यों खराब करूं। देखो संतों के लक्षण, जब हम किसी को गाली देंगे तो पहले अपना मुंह खराब होगा ना। यदि हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो पहले अपना मन खराब होगा ना। देखो इसीलिए जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसका प्रभाव अंतकरण की शुद्धि में है, ये बात जब समझ में आ जाती है तो व्यक्ति इसमें बड़ा जागृत रहता है कि जगत में जो भी कुछ हम कर रहे हैं ध्यान रखना है अपने अंतकरण की शुद्धि में। इसीलिए सबसे बड़ी अंतकरण की शुद्धि क्या है, वो है अभय। डर डर के जीवन में मत रहो,
जिसके हृदय में डर है और डर डर के करता है, नहीं मुझे तो वहां जाना है महात्मा जी के लेक्चर में, लेकिन मेरे गुरु महाराज कहते हैं खबरदार किसी के लेक्चर में गया तो नहीं तुमको मैं नरक में भेज दूंगा और फिर मुझे जाने में जो के, 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 के। ये आध्यात्मिक जीवन है कि उसका कार्टून है। इसीलिए अपने अंतकरण के शुद्धि का महात्म्य सबसे श्रेष्ठ है। अच्छा, ये यदि बात हृदय में आ गई तो फिर अपने द्वारा अपने आप कर्मयोग होगा, फिर हमको कर्मयोग करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये तो हो गया कर्मयोग का एक अंग जिसमें हम अपने अंतकरण के शुद्धि को महात्म्य देते हैं। लेकिन ये करते करते एक गड़बड़ी फिर तैयार हो जाती है। जैसे अब लड़की बहुत बड़ी हो गई, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, बहुत मुश्किल हो रहा है, लोग क्या कहते, ये क्या कहते, एक झंझट खत्म करने के लिए शादी करा दो, उसके बाद दूसरी झंझट खड़ी हो जाती, उसके घर वाले ठीक मिलते हैं नहीं मिलते, ये लड़का लड़की की बनती है नहीं बनती है, उसमें झगड़े होते हैं, ये एक खत्म होने वाला सिनेमा नहीं है, ये 24 आवर नॉन स्टॉप नॉनसेंस है। अच्छा महाराज, तो आप कितना भी अपने अंतकरण की शुद्धि की बात करके रहो, लेकिन ये सब करते करते अपना जो अहंकार है वो जागृत हो जाता है। मैं तो बड़ा पवित्र हूं, मुझे किसी से झगड़ा करने में मजा नहीं आता, मन की शांति अच्छी लगती है। हम किसी की बुराई नहीं करते, बुराई क्यों करनी है, सत्संग को जाते हैं, हम लोगों के जैसे थोड़ी है, हम तो बड़े अच्छे हैं। जब व्यक्ति अपने अच्छाई की तुलना लोगों के बुराई से कर करके अपने को अच्छेपन का सर्टिफिकेट देता है, इससे बड़ा महाभयानक अहंकार और कोई नहीं है। देखो महाराज, इसीलिए अच्छा कर्म करते जाए और अंतकरण की शुद्धि की बात होती जाए, लेकिन ये जो अहंकार का जो सांप का जैसा ये होता है हुड, ऐसे बाहर आ गया फंड, वैसे आ जाता है। और ऐसा व्यक्ति किस प्रकार से होता है, ऐसे व्यक्ति में गुण दोष का महत्व बढ़ जाता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। और जब तक ये गुण दोष के चक्कर में रहेंगे, हम इस जगत का विश्लेषण करेंगे, ये लोग अच्छे हैं ये बुरे हैं, जिसके दृष्टि में अच्छाई बुराई कर करके अलग अलग दिखती है, वो व्यक्ति परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। इसीलिए अपनी ये जो अच्छाई है, कर्मयोग के द्वारा अंतकरण को शुद्ध किया, लेकिन ये जो अहंकार है ये बना है, अब इस अहंकार को हमको दूसरे काम में लगाना है। ये सब प्रक्रिया समझ लो संतो, तब मेडिटेशन में आनंद मिलता है, नहीं तो सरदर्द होता है। जब हमने अपने इस अहंकार को कर्मयोग के माध्यम से नियंत्रित कर लिया है, वेल डिफाइंड ईगो का तात्पर्य क्या है, मैं ब्राह्मण हूं, तो ये तो अभिमान है, मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन ये अभिमान मुझे अनेक बुराइयों से बचाएगा। कैसे कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मांस मच्छी नहीं खा सकता, अपने आप नियंत्रण आ गया, मुझे नित्य निरंतर स्नान संध्या शास्त्रों का अध्ययन सत्संग इतना करना ही चाहिए, क्योंकि ये सब ब्राह्मण के लक्षण है। देखो, अपने आप व्यक्ति में इस अहंकार के कारण अपने को बचाने की प्रक्रिया निर्माण हो जाती है। अच्छा, ये अहंकार जागृत होने के पश्चात फिर इसी अहंकार को लगाते हैं हम अपने अंतकरण को नियंत्रित करने के लिए। दो स्थानों पर हमारे अंतकरण की अशुद्धियां है, एक को कहते हैं तीव्र अशुद्धि, माने इमरजेंसी केस, तीव्र अशुद्धि, और दूसरी है मंद अशुद्धि, माने क्रॉनिक डिसीज। दोनों का भी क्योर करना है। जो इमरजेंसी किसकी है तो बताते हैं शास्त्र, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इनका निराकरण करना, ये हमारे अंतकरण के नियंत्रण में इमरजेंसी की बात है।
एकदम उसको छोड़ना नहीं, पहली बात। अच्छा, जैसे जैसे अपना समय निकल जाता है और शरीर की दिमाग की गर्मी ठंडी हो जाती है, बन गए करोड़पति, आगे क्या करोगे? करोड़पति और दूसरा क्या? कब तक ये चलता रहेगा? इन चीजों में ज्यादा समय तक मन नहीं टिक सकता। तो फिर दूसरा जो समस्या का भाग है अपने मन के नियंत्रण का, वो है अपने मन में जो अनियंत्रित केवल आदत के कारण विचार करने की प्रक्रिया होती है, जिसको कहते हैं चिंता। चिंता क्या है? चिंता करने की आदत पड़ी है। एक अम्मा के पास हम गए, देखा उनको, हमने कहा अम्मा क्यों इतनी चिंता करती रहती हो, जरा हंसा करो। तो उसका उतना सुंदर उत्तर था, बोले स्वामी जी एक ही तो चीज हम कर सकते, वो भी करने नहीं देते। पूरी जिंदगी में चिंता के सिवा कुछ किया ही नहीं, और वही एक कर सकते, वो भी मत करो तो करे क्या? देखो, यह जो चिंता करने की आदत है, इसी के लिए कारण क्या होता है कि आप तो अपने आप को लेकर के बैठ लिए ध्यान के लिए, अब सभी इंद्रियों का नियंत्रण कर लिया और सामने भगवान के बैठ लिए, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ये अंदर में जो इंजन शुरू हो जाता है, इसके लिए सबसे बेस्ट हमको उदाहरण मिलता है ट्रैफिक लाइट के सामने जब लाल बत्ती आ जाती है हाईवे पर, तो जितने ये ट्रक है गाड़ियां है इनके इंजन चलते रहते, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है लेकिन इंजन जोर से चल रहा है। एग्जैक्टली वैसी ही स्थिति होती है अपने मन की, वहां ध्यान के लिए बैठेंगे और गुरु 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 चल रहा है, और एक घंटा ध्यान होने के बाद हाँ बड़े थक गए, मम्मी तुम तो बैठी ही तो थी, तुमको क्या मालूम है ध्यान में कितनी शक्ति लगती है। ये जो मनोराज्य, इसको कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, ये जो मनोराज्य करने की जो आदत है, ये आप कुछ भी करो नहीं निकलेगी जब तक के उसके पीछे एकदम प्रयत्न से ना लगो तब तक। इसलिए पंचदशीकार बताते हैं, शास्त्रों का अध्ययन किया, तत्व का चिंतन हुआ, अब किसी भी बारे में मन में संदेह नहीं है, अब जगत को लेकर के काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य चक्कर नहीं करते, अब एकांत में रहने का अभ्यास हो गया है, सब कुछ हो गया है, आखिरी जो कॉफिन पर नेल ठोकते हैं आखिरी बात वो यही है, अकेले में शांत बैठो तो मनीराम की मशीन शुरू हो गई। तो उसको शांत करने के लिए हमारे शास्त्र बताते हैं हमको योगाभ्यास का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है, और इस योगाभ्यास की प्रक्रिया छठवें अध्याय में भगवान ने हमको बताई। और इस योगाभ्यास का प्रभाव किस पर है? इस योगाभ्यास का प्रभाव है अपने मन में समत्व को जागृत करने में। भगवान के इस योगाभ्यास के जो अंतिम शब्द है वो कहते हैं आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। इसके अंतकरण में समत्व की निष्ठा प्राप्त हो गई, वो व्यक्ति अनावश्यक चिंता में फंस करके अपने आप की बर्बादी नहीं करता। तो समत्व जहां आ गया उतना हमारा अहंकार कर्तृत्वाभिमान सब खत्म हो गया। तो यहां आने के पश्चात अर्जुन महाराज छठवें अध्याय में प्रश्न कहते हैं कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। हे भगवान, ये जो मन है चंचल है बलवान है, और चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि प्रमथनशील है, माने हमारे इंद्रियों को हिला देता है, और दृढ़म बड़ा जिद्दी है, तो ऐसे मन को कैसे नियंत्रित किया जाए? ये तो मुझे असंभव सा लगता है। उस समय भगवान कृष्ण उनको योग का उपदेश करते हैं। पातंजलि योग दर्शन में तीन प्रकार से योग के अंग बताए गए हैं। जो उत्तम अधिकारी है
उसके लिए बताते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, अपने मन के जो अनेक विचार है, अनेक जो वृत्तियों का तूफान है, उसका निरोध करने के लिए अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यास और वैराग्य इन दोनों के द्वारा हम अपने मन के जो विचारों का तूफान है उसको नियंत्रण में ला सकते हैं। ये उत्तम अधिकारी के लिए। जो मध्यम अधिकारी है उसके लिए स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्रणिधानानी, ये तीन है, इसको क्रियायोग कहते हैं। तो तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानी क्रियायोग, ये मध्यम अधिकारी के लिए बताते हैं कि अपने जीवन में तपस्या का अंग होना अत्यंत आवश्यक है। तपस्या किसको कहते हैं? आज हम भागवत महापुराण सुबह में ले रहे थे, उसमें पृथु महाराज गए जंगल में तपस्या करने के लिए। तो तपस्या का तात्पर्य ये है, जीवन में कष्ट आने के बाद भी कष्टी या दुखी नहीं होना, इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमारे शास्त्रों में बताते हैं कि गर्मी के दिनों में चारों तरफ आग जला करके बैठो, कष्ट होवे लेकिन दुखी मत होना। जाड़े के दिनों में शरीर पर ठंडे पानी डालो और बिना कपड़े के बैठे रहो लेकिन दुखी मत होना। ऐसा तपस्यामय जीवन जीने से व्यक्ति के अंतकरण की शुद्धि होती है, वो बाहर के चीजों से प्रभावित नहीं होता। तो क्या हम लोग यहां से चले जाएं? कोई जरूरत नहीं, अपनी बंबई में सब कुछ मिलता है। आपको करोड़पति भी मिलेंगे, रोड़पति भी मिलेंगे, सिनेमा में एक्टिंग करने वाले भी मिलेंगे, घर में एक्टिंग करने वाले भी मिलेंगे, और अमीर भी मिलेंगे, गरीब भी मिलेंगे। सिनेमा का धंधा मिलेगा, सत्संग भी मिलेगा। हम आपको बात बताएं, हम पूरे दुनिया में घूमते हैं, अपने बंबई में जितने सत्संग होते हैं किसी भी स्थान पर विश्व के नहीं होते। अपनी बंबई को कई लोग माया नगरी कहते हैं, हम तो इसको कहते हैं ये ब्रह्म नगरी है, मुंबा देवी की है ना, तो कैसे यहां भगवान की सेवा दूसरा किसी का महात्म्य होगा। तो यहां हम काफी जगह घूमे और इस नतीजे पर पहुंचे, तपस्या करने के लिए आपको बंबई छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, जितने कष्ट है बंबई में मिल जाएंगे। आप निकलो घर से कहीं जाने के लिए, एकदम ट्रैफिक जाम। अब गर्मी के दिन हो, आपका एसी काम नहीं करता और चारों तरफ से धुआं आ रहा है और आप अंदर में बैठो, तो इससे बढ़कर के सुंदर तपस्या और क्या हो सकती है। बारिश के दिनों में घर से निकलो और आपकी जो मारुति है एकदम पानी के नीचे चली गई और केवल आपकी गर्दन बाहर है और बैठे रहो वहां। इस प्रकार से तपस्या का तात्पर्य है जीवन में आए हुए कष्टों के द्वारा प्रभावित नहीं होने का अभ्यास। इसके द्वारा व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है। तो तप, दूसरी बात स्वाध्याय। स्वाध्याय का तात्पर्य है शास्त्रों का अध्ययन और इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन माने अंतर्मुखी होकर के अपने व्यवहार के बारे में, अपने मन के स्थिति के बारे में विचार करना। रात को सोने के पहले ये विचार करें, आज दिन भर कितने को बेवकूफ बनाया, कितने की जेब काटी, कितने को परेशान किया, कितने को दुखी किया, कितने बार गुस्सा आया, या कितने घंटे तक शांत रहे, कितने समय तक सावधानी से एक भी गलत शब्द मुख से नहीं निकला, कितने समय तक भगवान का नाम बड़ा प्यार से हृदय में आता रहा, इसका सोने के पहले चिंतन करना, उसको कहते हैं स्वाध्याय। जब हम अपने बारे में इस प्रकार से देखने सोचने लग जाते हैं तो अपनी बुराई समझ में आती है। देखो भैया, एक बार हमने बच्चों का कैंप लिया था और उसमें हमको उनको बताना था ये सिद्धांत, जब दूसरों की बुराई देखते हैं तो हमारे हृदय में बुराई प्रवेश कर जाती है, और जब अपनी बुराई का पता चलता है तो उसको मिटाने का प्रयत्न होता है, ये उनको बताना है। तो
हमने उस दिन ये किया, जब लेक्चर के लिए आए तो आते समय जानबूझ करके सभी बच्चे बैठे, 250-400 बच्चे आते यहां आके बैठे, और आप अभी देख रहे हो हमारा चंदन जो है वो भूमध्य पर होता है, यहां आज्ञा चक्र होता है, यहां चंदन लगाने से अपने शक्ति का व्यय नहीं होता, शक्ति वो ब्लॉक हो जाती है, ये चंदन लगाने के लिए। और वो जो कपड़े के मैचिंग में टिक्का लगाते हैं ना, हरी साड़ी तो हरा टिक्का, काली साड़ी तो काला टिक्का, पीली साड़ी तो पीला टिक्का, वो जो मैचिंग का जो है उसका तात्पर्य है केवल अपने चेहरे में जो विकृति है उसको छुपाने के लिए, दूसरा कोई तात्पर्य नहीं। नारायण, अच्छा महाराज, उस दिन हमने क्या किया कि वो चंदन का जो टिक्का है यहां नहीं लगाया, उसको हमने यहां लगा दिया, बढ़िया लगा करके और आकर के बैठे, और बिल्कुल वही सीरियसनेस जैसे कुछ मालूम ही नहीं हमको, और बैठे। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। और सभी के सभी बच्चे अंदर ही अंदर गुस 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 हंस रहे, जोर जोर से हंस रहे, और हमको मजा आ रहा, उनको लगा हमको मालूम नहीं, और हम बैठे और हम कुछ भी बोले हंसते शुरू कर दे। हमने भाई आज क्या हो गया, हमको भी बताओ, जोक हम भी हंसेंगे, तो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, और फिर सबसे शुरू हो जाए। और बच्चों को ऐसा नहीं, एक बार हंसना शुरू हो गया उनको रोकना बड़ा कठिन है। तो फिर हमने कहा कि अच्छा ऐसा करेंगे, पहले आप हंस लो फिर बात करेंगे, हम बैठ लेते। और हम बैठे और आप कल्पना करो हमारा ये चंदन है यहां गया है और हम ऐसे बैठे, कितने बेवकूफ के जैसे दिखेंगे। और हम कुछ कर ही नहीं रहे और बच्चे बड़े परेशान, दे कुडंट स्टॉप लाफिंग। एक ने कहा, स्वामी जी क्या आपका वो जो चंदन है ना ऐसे गलत जगह पर लगा हुआ है, आप कैसे कैसे दिख रहे हैं ना। अच्छा, मुझे मालूम ही नहीं, तुरंत मैंने हाथ से पोंछ दिया। और फिर मैंने कहा देखो अपनी जो बुराई होती है ना, ये अपने को मालूम नहीं होती, जब दूसरा हमको बताता है कि तुम में ये बुराई है तब हम उसको मिटाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन यदि मैं उसका ऐसा जवाब देता, मालूम है मैंने यहां क्यों लगाया चंदन, कभी छोटे बच्चों को देखा है? हाँ देखा है स्वामी जी, उनको नजर नहीं लगनी चाहिए इसीलिए यहां काला टिक्का लगाते हैं ना, उसी प्रकार से मुझे आप लोगों की नजर नहीं लगनी है इसीलिए इसको लगाया। हेलो, तो मैंने अपने दोष को छुपाने का प्रयत्न किया है। इसी प्रकार से अपने अंतकरण के जो दोष है उसको देखने के लिए हमको अंतर्मुखी होकर के जीवन चलाना, ये हो गया स्वाध्याय। और तीसरा है ईश्वर प्रणिधानानी, अपने जीवन में भगवान की पूजा पोथी का महात्म्य अत्यंत आवश्यक है। देखो भैया, जब अपने जीवन में भगवान के पूजा पोथी का महात्म्य आता है ना, तो व्यक्ति को एक आधार मिल जाता है। और जब हमको कोई आधार मिल जाता है तब व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और इसीलिए जिसके जीवन में कोई आधार नहीं है वो व्यक्ति कैसा बौला सा जाता है। और सबसे बढ़िया आधार क्या है? सबसे बढ़िया आधार है भगवान का, उसको पकड़ के रखो, कभी धोखा नहीं होगा। बाकी कोई भी धोखा दे सकता है, भगवान धोखा दे ही नहीं सकते, छोड़ के नहीं भाग जाएंगे। क्यों? कि उनको ना तो पैर है ना तो कोई जा नहीं सकते हो। इस प्रकार से जीवन में तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इसके द्वारा हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं ताकि हमारा ये मनोराज्य का जो रोग है इससे हम बचें। और इससे भी जो अधम प्रकार के अधिकारी माने उत्तम नहीं मध्यम नहीं अधम अधिकारी जो है उनके लिए अष्टांग योग बताया है योगशास्त्र, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। उसके द्वारा वो अपने पूरे देह पर प्राण पर मन पर नियंत्रण ला सकते हैं। इस प्रकार से यह जो अहंकार अच्छाई का
तैयार हो गया था, अपने कर्तव्य कर्म पूरा करने का अभिमान हो गया था, ऐसे व्यक्ति के लिए अब योग साधना बताई जाती है। आज ही मैं मेरे पेपर साफ कर रहा था, उसमें एक पत्र निकला, उसको अभी मुझे उत्तर देना है। उसमें पढ़ा हुआ था, पता नहीं कब से पढ़ा है, पत्र ये था कि स्वामी जी 20 साल पहले मेरी पत्नी मर गई और उस समय मेरे दो बच्चे थे और वो बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, सब ठीक ठाक हो गया। अब मैं भी रिटायर हो गया हूं, अब सामने एकदम ऐसा वैक्यूम सा आ गया है, अब मैं क्या करूं, समझ भी नहीं आता, मन कहीं टिकता ही नहीं। तो मैं अनेक तीर्थ क्षेत्र पर जा रहा हूं और अनेक प्रकार के सत्संग में जाने का प्रयत्न करता हूं, और किसी बाबा जी के पास जाने का ट्राई करो तो जो बाबा जी के अगल बगल के जो होते हैं वहां गण, जैसे शिवजी के अगल बगल में गण होते हैं ना, भूत प्रेत गण, वैसे बाबा जी के अगल बगल में भी भूत प्रेत गण होते हैं, वो किसी को बाबा जी के पास जाने ही नहीं देते। इस प्रकार से हम बड़े परेशान हो गए, तो आपको सुनकर के ये लेटर मैं आपको दे रहा हूं, तो कुछ बताओ मैं क्या करूं। देखो भैया, इस समय हमको योगाभ्यास मदद करता है, इस समय हमको यह तपस्या का जीवन मदद करता है, इस समय हमको ईश्वर की पूजा पोथी करना मदद करता है। जिस व्यक्ति के जीवन में अकेलापन है, मन उचाट हो जाता है, उसका एकमात्र कारण है उसने कभी हरि का भजन नहीं किया, उसने कभी अपने जीवन में भगवान की भक्ति नहीं करी, इसीलिए मन उचाट हो जाता है। जगत के वस्तु व्यक्तियों के साथ कितना भी रह लो, उसमें मन को शांति नहीं मिलेगी। मन को शांति मिल सकती है जब हम अपने मन को प्रभु के चरणों में लगावे, तब जाकर के मन को शांति मिल सकती है। और इसीलिए यह अष्टांग योग की बात भगवान ने 6वें अध्याय में बता करके हमारा जो मनोराज्य का रोग है उसको हटाने की प्रक्रिया बताई। ये होने के पश्चात फिर व्यक्ति में एक और दोष रह जाता है। देखो कितने दोष एक के बाद निकालो, एक दूसरा आ ही जाता है। तो वो कौन सा दोष है? वो दोष ये है कि व्यक्ति को ऐसे लगता है अब तो मैं अपने मन का नियंत्रण करने वाला बड़ा योगी बन गया हूं। कभी किसी को कुछ बात बता दो और वो कभी ठीक हो गई तो ऐसे लगता है कि देखो अब मेरी संकल्प शक्ति जागृत हो गई है, तुम्हारा बेटा भला हो जाएगा, और वो होता है भला प्रभु के कारण, और ये भले मनुष्य को रखता है अपने कारण, जो अपना भला नहीं कर सकता दूसरे का क्या भला करेगा। और फिर आदमी उसी में फंस जाता है, और इसीलिए अपनी अच्छाई योग साधना, योगाभ्यास, अंतकरण में नियंत्रण, ये सब होने के बाद जो भिन्न दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती है, उन शक्तियों को सहने की क्षमता हमें नहीं होती। बहुत महत्व की बात है। एक बार किसी ने भगवान रामकृष्ण परमहंस जी को पूछा था कि आप अपनी जितनी शक्ति है, ज्ञान है, सब कुछ है, ये विवेकानंद को क्यों दिया? आपने अपना भांजा था आपके पास, आपके रिश्तेदार थे, उनको क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने कहा मैं तो किसी को भी देने को तैयार हूं, लेकिन उसको रिसीव करने की क्षमता भी तो चाहिए ना। जब आकाश से गंगा जी जमीन पर आई तो केवल शिवजी ही अपने जटा में उसको पकड़ सके, ऐसे नहीं कोई सरदारजी कहे चलो मेरे भी जटा है मिट्टी आके खड़ा हो जाता हूं, ऐसे थोड़ी होता है। तो उसको ग्रहण करने की शक्ति चाहिए, और इसीलिए अब ये 6वें अध्याय के अंत में आकर के भगवान ने योग का और योगी का महात्म्य बताया। देखो पूरा विचार समझ लेना ठीक से। निकम्मेपन से उठने के लिए कर्म, कर्म से बचने के लिए कर्मयोग,
कर्मयोग के द्वारा अपने व्यक्तित्व का निर्माण, लेकिन उसी में फंस न जावे, और इसीलिए अंतकरण की शुद्धि पर ध्यान। अंतकरण की शुद्धि होने के बाद भी व्यक्ति में यह जो मनोराज्य का रोग है वो बना रहता है, उससे बचने के लिए योगाभ्यास। योगाभ्यास करते हुए भी फिर एक झंझट आ जाती है, जो जीवन में दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती है, उसी में आदमी फंस न जाए। और इसीलिए अब छठवें अध्याय के अंतिम में आकर के भगवान ने सातवें अध्याय का इंट्रोडक्शन दे दिया। छठवें अध्याय के अंतिम में भगवान कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। सातवें अध्याय में प्रवेश करना है, इसीलिए छठवें अध्याय का ये जो अंतिम श्लोक है ये सातवें अध्याय का इंट्रोडक्शन है। अपने भगवद गीता का जो सौंदर्य है वो यही है, प्रत्येक अध्याय अपने आप में पूरा है। और पहला अध्याय जब बंद होगा, समाप्त होगा, तो उसमें दूसरे अध्याय का बीज होगा। दूसरा अध्याय जब समाप्त होगा तो उसमें तीसरे अध्याय का बीज होगा। तीसरा अध्याय समाप्त होगा तो उसमें चौथे अध्याय का बीज होगा। इस प्रकार से एक से दूसरे अध्याय की निर्मिति होती जाती है। तो यहां छठवें अध्याय में आने के बाद भगवान ने सातवें अध्याय का प्रारंभ कर दिया है इस श्लोक के द्वारा। कैसा कहते हैं, जितने भी योगी हैं, पहले तो बताया तपस्वी भिदिको योगी ज्ञानीभ्योपि मतोधिकः कर्मी भ्रष्टाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। कर्म, ज्ञान और तपस्या, इनसे बढ़कर के योग की स्थिति है, क्योंकि वहां प्रकृति पर नियंत्रण आ गया। यहां आने के बाद भगवान कहते हैं ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति नहीं है, क्योंकि युक्त तमः, पहले तो बताया योगी, अब योग श्रेष्ठ कौन है, तो कहते हैं जिसका मन मुझमें लगा हुआ है, मद्गतेन अंतरात्मना, जिसके हृदय में अब जगत और जगत को जगत के साथ संबंध प्रस्थापित करने वाला हमारा अंतकरण और उस अंतकरण का नियंत्रण करने वाला मैं जीव, इन तीनों से हट करके अब मन जा रहा है प्रभु के चरणों में। ध्यान से सुनना, जगत की जितनी भी वस्तु है उसके बाद जगत के वस्तु के प्राप्ति के जितने साधन है, और ये जगत के वस्तु की प्राप्ति जिसको होती है, तीन बातें हो गई, जगत की वस्तु, उसके बाद उसको उस प्राप्ति के साधन माने हमारे ज्ञानेन्द्रिय अंतकरण इत्यादि, और जिसको प्राप्त हो रही है वो जीव, ये तीनों के तीनों जब तक के परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं होंगे, तब तक के भोगों की शुद्धि नहीं होगी, अपने जगत की शुद्धि नहीं होगी, और तब तक के जीव भाव से छुटकारा नहीं मिलेगा। और इसीलिए भगवद गीता के पहले छह अध्यायों में हमको बताया है, यह इसको कहते शास्त्रीय भाषा में त्वम पद प्रधान, माने जो साधक है उसको क्या करना है, इसका सबका सब विचार पहले छह अध्यायों में उन्होंने बताया। अब दूसरा जो छह अध्याय का प्रसंग शुरू हो गया है उसमें बताएंगे कि यह भक्ति या आराधना जिसकी करनी है वो भगवान कौन है। अब देखो, हमको एक बार किसी ने पूछा, स्वामी जी अब ये बताइए, ये बाबा जी लोगों के पास जाकर बैठने में आनंद क्यों आता है, और गृहस्थों के साथ बैठते हैं तो जलन होती है, कारण क्या है। हमने कहा कारण ये है कि बाबा जी लोग बड़े चालाक होते हैं। कैसे चालाक होते हैं? ऐसे चालाक होते हैं कि आप किसी भी बाबा जी के पास जाके बैठो, वो अपनी बात कभी नहीं बोलेंगे, वो बात करेंगे हमारी। और ऐसा जगत में कौन व्यक्ति है जिसको अपनी बात पसंद नहीं आती, तो पूछेंगे बेटा तबीयत तो ठीक है, घर के सब बीवी बच्चे ठीक है, पिछले बार तुम्हारा झगड़ा हो गया था, मारपीट शांत हो गई कि नहीं, ये भी चल रही है,
इस प्रकार से बाबा जी लोग महात्म्य देते हैं सामने आए हुए व्यक्ति को, और इसी के कारण उनके अपने जीवन के जो सुख दुख है अपने आप शांत हो जाते हैं। सुख दुख बढ़ने का कारण जब उसको हमने ज्यादा महात्म्य दिया तब वो बढ़ते हैं। एक हमारे मित्र थे, अब नहीं रहे, और उन्होंने एक छोटे बच्चे को बचपन से बड़ा किया। बच्चा था कोई 4-5 साल का, और उसको सब कुछ सिखाया कि कैसे उठना बैठना, संध्या वंदन करना, संस्कृत और सभी प्रकार के मंत्रों का उच्चारण, वेदों का उच्चारण, और ये यज्ञ करना, सब कुछ छोटे बचपन से उसको पढ़ा किया, पढ़ाया, सब कुछ किया। फिर वेदांत का श्रवण करवाया उसको, फिर भागवत कथा सुनाई, सब कुछ किया। ये करते करते वो बच्चा 19 साल का हो गया, और बस अब यही अगले गादी पर बैठेगा, दूसरा कौन आएगा। कितना उसको तैयार किया, और प्रभु की लीला तो अपनी लीला है। वो लड़का फट से मर गया बिना किसी कारण से। अब मरने के बाद आश्रम में आने वाले अपने मन को अपने से हट करके किसी और में लगावे तो अपने आप मन का जो बोझा है हमको कभी कष्ट नहीं देता। इस स्वार्थ को लेकर के बाबा जी लोग दूसरे की चिंता करते हैं, बात पक्की है, ये सब स्वार्थ है। यदि हम अपने ही चिंतन लगे, मुझे ये हो रहा, मुझे वो हो रहा, ऐसा और ऐसा, तो फिर संसारी में अपने फर्क क्या है। ये जो होना है वही होगा ही, नो बडी कैन स्टॉप दैट, होगा ही। अब इसमें निकलने का तरीका क्या है, दूसरे को महात्म्य देना शुरू करो। सेवा का जो सूक्ष्म तत्व है वो यही है, जहां हम सेवा करने में लग जाते हैं तो वहां अपने जीवन के कष्ट और अपना अहंकार, इन दोनों की बलि चढ़ना शुरू हो जाती है। जब हम किसी की सेवा करेंगे तो अपने कष्ट की थोड़ी देखेंगे। हमारे गुरु महाराज को सुबह 3 बजे गरम गरम चाय चाहिए, तो नेचुरली आदमी नींद छोड़ करके नहा धो करके तैयार हो करके चाय बना के देगा ना, तो अपने आप आलस्य खत्म हो गया। और ये जब करेगा तो ऐसे थोड़ी होगा, गुरु महाराज जरा पानी गरम कर देना, मुझे 2:30 बजे नहाना है, तो स्वयं ही करेगा। उसी प्रकार से जब वो सेवा करेगा तो सेवक का कोई अपना मान नहीं होता, ना अपमान होता है। इसीलिए सेवा धर्म बड़ा महत्व का माना गया है। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति ने सब कुछ करके अंतकरण को शुद्ध किया है, अब आखिरी बात यह है कौन सा, अब उसके जो विचार है वो विचार अपने बारे में आना बंद हो जाए। मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे प्रॉपर्टी का क्या होगा। तो जब तक के विचार परमात्मा के बारे में आना शुरू नहीं होते तब तक के अभी हम संसारी ही है। इसीलिए यहां भगवान कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, जिसका मन अब दुनिया से हट करके अब मेरे तरफ लग गया है। अब ध्यान से सुनना, लेकिन वो मुझे पहचानता नहीं, लेकिन वो मुझे जानता तक नहीं। देखो समझो, हम कहीं जा रहे हैं और अभी कहां की बात है, त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट की, वहीं से हम आए कल रात को। तो वहां जब गए एयरपोर्ट पर, तो सिक्योरिटी तो हर जगह होती है, किसी को जाने देते नहीं, जिसको टिकट है उसे ही जा सकता है। तो हमारे ट्रॉली लेकर के हमारे साथ एक ब्रह्मचारी और दूसरे दो ब्रह्मचारी, सफेद और लाल पीले दो ब्रह्मचारी आए। हमने कहा भाई देखो तुमको तो बाहर ही रहना पड़ेगा, जाना तो मुझे ही पड़ेगा, अब मेरा प्रारब्ध है, मैं ढकेल के ले जा रहा हूं। और जब ऐसा मैंने कहा अंग्रेजी में उनको, तो वहां का जो पुलिस अफसर था उसने कहा कि नहीं नहीं स्वामी जी, डोंट वरी, दे कैन गो विथ यू एंड दे लीव अप टू, बिना टिकट के, कुछ बिना कारण के। हम वहां पहुंच गए और बिल्कुल चेक इन हो गया, सब कुछ हो गया, और फिर वहां एसी में बैठे रहे, और जब हमारा समय आया जाने का तब निकल आए। तो
हमने उनको पूछा कि प्रभु धन्यवाद, बोले धन्यवाद की कोई बात नहीं, जब हमने आपको देखा तो हमको अच्छा लगा, हम मालूम तो कुछ है नहीं कौन है क्या है। देखो जब व्यक्ति बिना पहचान के किसी का आदर करता है तो ये श्रेष्ठ अंतकरण का लक्षण है। जब व्यक्ति पहचानता नहीं किसी को और उसके बारे में संदेह करने लग जाता है, पता नहीं बोले बड़े चोरों से आजकल संभाल के रहे ना, ऐसा यदि मन में विचार आने लग गया तो ये अपने अंतकरण के स्थिति का लक्षण है। एक दूसरा उदाहरण बताता हूं मैं, 20-25 साल पहले की बात है, मैं हावड़ा में था कलकत्ते में और किसी कारण से मेरी चप्पल टूट गई थी, रास्ते में टूट गई थी, तो वहीं रास्ते पर जो अपने ये रबर स्लीपर बेचते हैं, मैं एक दुकान पे गया, मैंने अभी मेरे साइज की चप्पल दे देना, बोले अच्छा बाबा जी जरूर देंगे, महाराज हैं मगरब एक महाराज थे, अच्छा महाराज देंगे, और उसने मुझे निकाल करके दी चप्पल और मैंने पहन ली। और मैंने कहा भाई कितने पैसे इसके, बोले स्वामी जी 25 रूपये, मैंने 25 बहुत ज्यादा हो रहे 10 रूपये ले लो। तो उसने मुझे बहुत बड़ा उपदेश किया, उसने मुझे कहा कि आपको बाबा जी जान करके मैंने एक भी पैसा ज्यादा नहीं बताया था, लेकिन आप मेरे से भाव करने लग गए हो, तो मैं तो आप तो मेरे यदि 50 रूपये दोगे तो भी मैं नहीं दूंगा, निकालो चप्पल। उस समय मुझे ये समझ में आया कि अपने मन के जो परिणाम है, ये सब जगत के जो अनुभव है, ये अपने मन की ही प्रतिक्रिया है। मुझे ऐसा सोचने का क्यों लगा कि ये जो दुकानदार है जो मुझे दे रहा है वो मेरे से पैसे कमाना चाहता है, इसका कारण मेरे मन की गंदगी, उसमें कोई बुराई नहीं थी। देखो महाराज, इसीलिए कबीर महाराज जो कहते हैं ना, बुरा जो देख न मैं चला, बुरा न मिली आपको। तो जितना अपना अंतकरण शुद्ध होगा उतना हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति प्रेम जागृत हो जाएगी। और इसीलिए जितने भगवान के प्रति प्रेम श्रद्धा जागृत हो जाएगी उतना, ध्यान से सुनना, उतना हम कार्य कारण के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। कार्य कारण का चक्कर क्या है, हर चीज को लेकर के ये ऐसा क्यों हो गया, इसका क्या कारण है। जब तक कि हम कार्य कारण के चक्कर में रहेंगे तब तक कि अपने बुद्धि के बंधन में रहते हैं। और इससे निकलने का तरीका क्या है, अच्छा हुआ प्रभु की इच्छा है, बुरा हुआ भगवान की मर्जी है। तो चाहे अच्छा हो बुरा हो, याद आती है भगवान, तब जाकर के हम अपने बुद्धि के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और इसीलिए भगवान इसमें श्रद्धा को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। श्रद्धावान भजते यो माम। श्रद्धा किसको कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं अनजान को जैसा है वैसा स्वीकार करने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति को श्रद्धा कहते हैं। जिसको कई लोग कहते हैं कि अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी ब्लाइंड फेथ, उनको एक भी शब्द का अर्थ मालूम नहीं है। विश्वास श्रद्धा हमेशा अंधी ही होती है। जब मुझे मालूम है कि ये मेरी मां है और इसीलिए मुझे खाना ही देगी, जहर नहीं देगी, और इसीलिए उसे जब भी कुछ भी मुझे दिया तो मैंने बिना कुछ समझ के खा लिया, तो उसमें कौन सी खास बात है। जब मालूम तक नहीं कौन व्यक्ति है और किसी ने कह दिया कि देखो महाराज जी ये प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है, और भगवान का प्रसाद कह करके यदि हम बिल्कुल बिना किसी हिचक के साथ खा जाए तो उसके लिए शक्ति चाहिए, नहीं तो एक बार संदेह मन में आ गया तो संशय आत्मा विनश्यति। इसीलिए महाराज अज्ञान के क्षेत्र में जब तक हम रहते हैं तब तक के अपने जीवन का जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का नाम है श्रद्धा। इसीलिए हमने कर्मयोग किया, योगाभ्यास किया,
अपने मन का नियंत्रण किया लेकिन अभी तक भगवान को नहीं जाना। जब तक के भगवान को नहीं जानेंगे तब तक के जीवन में शांति नहीं मिलती। एक बहुत बड़े संत हो गए जो तुलसीदास जी के समय थे। उस समय में बड़े बड़े संत भारत में हो गए, तुलसीदास जी, कबीर जी, उसके बाद अपने मीराबाई, ये मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, ये वेदांत के माने हुए प्रकांड विद्वान और उनके बड़े बड़े ग्रंथ हैं। साधारण व्यक्ति उसको पढ़कर के समझ भी नहीं सकता, इतने क्लिष्ट और कठिन ग्रंथ है। वेदांत के तत्व को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया है। ऐसे मधुसूदन सरस्वती जी महाराज इस सातवें अध्याय के प्रारंभ में कहते हैं, जब तक के अपने हृदय में नंद नंदन के प्रति भक्ति और प्यार जागृत नहीं होगा तब तक के जीवन में परिपूर्णता का अनुभव नहीं आ सकता। ये घटाकाश मठाकाश फटाकाश करने वाले वेदांती और दुनिया का उद्धार करने वाले समाज सेवक, उन दोनों के मुंह पर उनके श्लोक के द्वारा चांटा पड़ा है। इतने बड़े विद्वान श्रेष्ठ संत जब वो कहते हैं कि अपने जीवन में भक्ति का यदि आधार नहीं हुआ, भगवान के प्रति यदि प्रेम जागृत नहीं हुआ, तो जितना सब कुछ हमने किया है वो सब व्यर्थ मात्र है। उसके लिए एक उदाहरण देते हैं शास्त्रों में और वो कहते हैं, वो कैसा है, कुंजर शौचवत। कुंजर शौचवत माने, कुंजर माने हाथी। हाथी जब नहाने के लिए जाता है तो नदी में जाएगा, खूब नहा लेगा, अपने सूंड से पानी डाल करके देह पर नहा लेगा। नहाने के बाद फिर बाहर आएगा। बाहर आने के बाद वहां जो नदी की जो बालू है, रेती है, उसको लेकर के फिर अपने पूरे बदन पर छिटक लेगा। और जब उसने पूरे बदन पर बालू को छिटक लिया, हाँ अब ठीक हो गया नहाना। उसी प्रकार से खूब कर्म किया, खूब वेदांत का श्रवण किया और लेक्चर दिए, लेकिन हृदय में प्रेम जागृत नहीं हुआ। इनको कहते शुष्क वेदांती। और जब तक के वेदांत में रस नहीं आता तब तक के जीवन में परिपूर्णता नहीं। आपको रस वाला आम खाने में जो आनंद आता है वो ड्राई फ्रूट खाने में नहीं आता, क्योंकि उसमें रस है। उसी प्रकार से अपने आध्यात्मिक प्रगति का अंतिम लक्ष्य है रसो वै सहा रसग्गम ही वायम लब्ध्वा नंदी भवती। उपनिषद कहता है परमात्मा रस स्वरूप है, उसमें सूखापन नहीं है। और उस परमात्मा के प्राप्ति के लिए सबसे पहली शक्ति कौन सी है, तो वो है श्रद्धा। इसीलिए श्रद्धावान भजते यो माम। हमको भगवान के बारे में कुछ मालूम नहीं, भगवान कौन है, क्या है, कैसे है, वो कहां रहते हैं और किस प्रकार से भक्तों की मदद करते हैं, उनकी प्राप्ति करना हो तो उसका मतलब क्या है, भगवान के स्वरूप को जानना है तो उनका स्वरूप क्या है, यदि उनका दर्शन करना है तो उनका दर्शन करना माने क्या। जब तक के हमारे विचारों की धारा परमात्मा के तरफ नहीं मुड़ेगी तब तक के राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ। ये जो राधा शब्द है ना, हमारे वृंदावन के लोग कृष्ण को नहीं मानते, राधे 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 करते। भगवान कहते ठीक है बाहर निकलना, फिर दिखाऊंगा, मेरा नाम नहीं ले रहे हो। तो राधा का तात्पर्य क्या है, जब विचारों की जो धारा है जब वो बहिर्गामी रहती है तब बंधन कारक है, वही जब उल्टी हो जाती है उसी को, विचारों की धारा को उल्टी करने को ही राधा कहते हैं। तो राधा माने आराधना। तो जब हमारे विचार प्रभु की आराधना में स्वाभाविक दृष्टि से प्रवृत्त होने लग जाते हैं तब समझ लेना अब अपने हृदय में इस श्रद्धा का प्रभाव दिखने लग गया। एक बार एक बच्चा था,
बचपन से ही उसको हनुमान जी के प्रति बड़ा प्यार और हमेशा वो उस समय उसकी उम्र की होगी 4-5 साल की, तो मुझे कहता था हमें स्वामी जी आप मुझे सिर्फ हनुमान जी के बारे में बताओ, मैं ना तो कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूं किसी के बारे में, हनुमान जी के बारे में बताओ। और उसको हनुमान जी के बारे में बताना शुरू कर दिया, इतना खुश हो जाता था। तो मैंने इसको कहा कि तुमको हनुमान जी के बारे में इतना क्यों लगा है, बोले मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो बट आई लाइक हिम। बिना कारण से जो प्रेम जागृत होता है वही वास्तविक प्रेम है। हम लोगों का प्रेम कैसा है, वो बड़े अच्छे है क्यों कि मुझे उन्होंने लिफ्ट दे दी, अच्छे हो गए। वो बड़े अच्छे है क्यों, उन्होंने चाय पर बुलाया। तो हमारा तो किसी को अच्छा बुरा कहना जो है उसके पीछे कार्य कारण मीमांसा होती है। तो जिस प्रेम में कारण नहीं और बिना कारण से जो समर्पण है, बिना कारण के समर्पण जिस शक्ति के द्वारा होता है उस शक्ति को कहते हैं श्रद्धा। हमारे भगवान शंकराचार्य के शब्दों में श्रद्धा की परिभाषा देंगे तो बताते हैं, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भि यया वस्तु माने परमात्मा उपलब्ध्यते। शास्त्रों में जो कहा है और गुरु ने साधु संतों ने जो बताया है वो किस प्रकार से ठीक है, ये विधेयात्मक जो अपने बुद्धि का प्रयत्न है उसको कहते हैं श्रद्धा। नॉर्मली व्हाई शुड आई बिलीव, आई हैव नॉट सीन गॉड, कैन यू शो मी गॉड। ये जो हर चीज का तिरस्कार करके स्केप्टिक कहके रहना, ये साधक का लक्षण नहीं है। इसीलिए सबसे पहले जीवन में श्रद्धा का आह्वान करना है। कठोपनिषद में सबसे पहली बात इसी को बताते हैं, वहां उशन हवै वाले सर्वतः सर्ववेद संददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्रास। एक वाजेश्वरस नाम के बड़े धर्मात्मा हो गए, उनके नचिकेत नाम का पुत्र था। कहानी है फिर बताते हैं, तगम कुमारगम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा आविवेश सहा अमन्यत। उन्होंने देखा अपने पिताजी ने सभी मरी सड़ी गायें लोगों को दान करना शुरू कर दिया, अच्छी अच्छी रख ली। जब उसने ऐसा देखा कि जो दान हो रहा है वो दान योग्य प्रकार का नहीं है, तो उसके मन में पहले श्रद्धा का निर्माण हुआ। और श्रद्धा का निर्माण होने के कारण उसने अपने पिताजी का किसके द्वारा भला होगा ऐसा विचार करना शुरू कर दिया। देखो, अगले व्यक्ति ने गलती करने के बाद उसके गलती को टोकना, ये सत्पुरुष का लक्षण नहीं। अगले ने गलती करने के बाद उसके बारे में ऐसा सोचना कि इस व्यक्ति का इस गलती से बाहर निकालने का क्या तरीका हो सकता है, और उसके बाद अपने विचारों को अमल में लाना, उसको कहते हैं संत सज्जन। इसीलिए श्रद्धा आविवेश, और श्रद्धा के बाद जो विचारधारा होगी वो विधेयात्मक होगी, वो कभी भी डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग नहीं होगा, नेगेटिव थिंकिंग नहीं होगा। इसलिए श्रद्धावान भजते जो माम समय युक्त तमो मतहा, मेरे मत से भगवान कहते हैं वही श्रेष्ठ है, वही बड़ा अच्छा योगी है। ये बात भगवान अनेक स्थानों पर भगवद गीता में दोहराते। एक जगह 12वें अध्याय के अंतिम में जाकर वहां भी सभी बातें बता दी कि यो मद्भक्तः समय प्रियः मुक्तो ये सचमे प्रियः, यो मद्भक्तः समय प्रियः भक्तिमान ये समय प्रियः, ऐसा करते 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 आखिरी श्लोक में आ गए। और उसमें कहते हैं श्रद्धाना मत परमा भक्ता ते में अतीव प्रियाहा। पहले प्रिय 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 कहा, लेकिन आखिरी श्लोक में आकर के कहते हैं वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। कौन?
कहते हैं श्रद्धाधाना मत परमा, जिसने अभी कुछ अनुभव नहीं किया है, अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुण एवच, अभी अनुभव नहीं किया, साधना नहीं करी है, उसके बाद ना तो कभी किसी प्रकार का अपने मन को नियंत्रण करने का प्रयत्न नहीं किया है, किसी प्रकार का कर्म अच्छा नहीं किया है, किसी कर्मों का भगवान के प्रति समर्पण नहीं किया है, ध्यान नहीं किया है, फिर भी उसका ये विश्वास है कि प्रभु मेरे तरफ देख रहे हैं और मेरा वो भला निश्चित करेंगे। देखो ऐसा जो भक्त है जिसको मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं, जिसने मेरे बारे में कुछ जाना नहीं, फिर भी उसका जो विश्वास है, श्रद्धा है, वो अड़िग है, ऐसा जो योगी है उसको कहते हैं कि समय युक्त तमो मताहा, यही युक्त तम श्रेष्ठ योगी है। इस प्रकार से सातवें अध्याय से बारहवें अध्याय तक अब नया प्रसंग प्रारंभ होता है और इसमें भगवान के बारे में बताया गया है। छठवें अध्याय के अंतिम तक साधक को जो करना है उसके बारे में बताया है, फिर भगवान के बारे में बताएंगे सातवीं से लेकर के बारहवीं तक। अब हम आपको ये छह अध्याय में क्या बताया है सात से बारह तक के शॉर्ट में बताएंगे और फिर सातवां अध्याय विस्तार से लेंगे। सातवें अध्याय में भगवान ने परमात्मा तत्व के बारे में जितना कुछ बताना आवश्यक है वो सब बता दिया है। सातवें अध्याय में परमात्मा तत्व का प्रतिपादन अति अप्रतिम है। हमको ये अध्याय बहुत पसंद लगता है, अच्छा लगता है। आप हर अध्याय के बारे में यही कहते हो, आप पर कौन विश्वास रखेगा। तो सातवां अध्याय बड़ा सुंदर है, भगवान का प्रतिपादन जैसा सातवें अध्याय में हुआ और कहीं नहीं। और सातवें अध्याय के अंतिम में जाकर के भगवान को किस प्रकार से पूर्णता से पहचानना है, इसलिए भगवान ने सात प्रकार के नए पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया था, तो उसका विस्तार करने के लिए आठवां अध्याय। वो होने के बाद फिर नवे अध्याय में भगवान बताते हैं कि जो सूक्ष्म तत्व है उसके बारे में मैं तुमको बता रहा था, बीच में तुमने प्रश्न पूछ लिए, इसलिए आठवां अध्याय आ गया, अब फिर से सुनो। और फिर वो सात नवे अध्याय में जाकर के भगवान की भक्ति क्या है, तत्व क्या है, कैसी भक्ति हमको करनी चाहिए, इसके बारे में सब कुछ बताते हैं। ये भक्ति की पराकाष्ठा सब ज्ञान देने के पश्चात फिर दसवें अध्याय में जिसके हृदय में भक्ति जागृत हो रही है उसके लिए प्रैक्टिकल होमवर्क दे देते हैं। जैसे कुछ पढ़ने के बाद स्कूल में होमवर्क देते हैं ना, वहां होमवर्क देते हैं। जब तुम दुनिया में घूमोगे, पेड़ दिखाए, तो पेड़ों में यदि अश्वत्थ वृक्ष दिखा तो समझ लेना मैं वहां हूं। यदि तुम जगत में घूम रहे हो, पहाड़ों में घूम रहे हो, हिमालय दिखा तो समझ लेना मैं वहां हूं। यदि घूम रहे हो नदियों में, कहीं गंगा जी दिखी तो समझ लेना कि गंगा जी के रूप में मैं हूं। इस प्रकार से भिन्न भिन्न जो जगत में वस्तु व्यक्ति इत्यादि है उन सब में मुझे एक बार देखने का प्रयत्न करो तो तुम्हारा मन जो है मेरे दर्शन के लिए ट्रेन हो जाएगा। एक बार ये मन ट्रेन हो गया उसके बाद ग्यारहवीं अध्याय में भगवान बताते हैं कि ये भिन्नता रहते हुए भी उसमें एकता का दर्शन करना, ये जो सिंथेटिक प्रोसेस है वो है ग्यारहवीं अध्याय का तत्व। कैसे एक में ही सबको देखना है और सब में एक को देखा, अब एक में सबको देखना है, ये हो गया ग्यारहवां अध्याय। और उसके बाद बारहवें अध्याय में आने के बाद भक्ति का जो तत्व है, सगुण साकार भक्ति का महात्म्य, और सगुण साकार भक्ति के पश्चात जब व्यक्ति के हृदय में निर्गुण निराकार के प्रति समर्पण हो जाता है तो ऐसा जो निर्गुण निराकार तत्व में जो प्रतिष्ठित भक्त है उसके क्या लक्षण हैं, ये अद्वेष्टा सर्वभूतानाम से लेकर के भगवान बारहवें अध्याय के अंतिम तक बताते हैं। इस प्रकार से भगवत तत्व का, भगवान के प्राप्ति का साधन भक्ति का और भक्त के लक्षणों का ये प्रसंग सातवें अध्याय से लेकर के बारहवें अध्याय तक भगवान कृष्ण ने हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। अब हम लोग सातवें अध्याय को प्रारंभ करते हैं।
हमारे बाद आप दोहराइएगा श्री कृष्णा ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः श्री भगवानुवाच मैया सक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। सातवां अध्याय। अर्जुन ने बिना किसी प्रश्न पूछे ही भगवान ने शुरू कर दिया। देखो, जैसे कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया तो लोग थोड़ी मांगते हैं कि जो कंपनी वाले हैं यही बेचना चाहते हैं, क्योंकि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना किसको नहीं अच्छा लगता। इसीलिए कन्हैयालाल ने सोचा अब अपने बारे में बताना है तो काहे को किसके प्रश्न की राह देके शुरू कर दो। इस प्रकार से भगवान स्वयं अपना प्रमोशन कर रहे हैं, एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो अपना है, जिसके प्रति प्रेम है, उसके प्रति अपने हृदय की बात बिना पूछे बोलने में प्रेम और अपनापन और बढ़ता है। यू डिडंट टेल मी यू आर हंग्री। पति पत्नी में झगड़ों के कारण मालूम है क्या है? यही कारण है। दे मेक द लाइफ एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एंड दे फॉरगेट लाइफ इज ए मैटर ऑफ लव, नॉट ए मैटर ऑफ फैक्ट। तो जहां हमारे हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है वहां ये सब जितनी फॉर्मेलिटी है कि जब तक कि कोई पूछेगा नहीं मैं कैसे बताऊंगा, नहीं, वो सुनना चाहे ना चाहे मुझे तो बताना है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। बाबा भगवान ने कितने बार कहा है भगवद गीता में, इष्टोसि मे सखा चेति रहस्यम हेतद उत्तमम। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम मेरे इष्ट हो। देखो ये बात केवल भगवान ही कह सकते हैं। हम लोग भगत लोग कहेंगे कि भगवान कृष्ण हमारे इष्ट है, भगवान रामचंद्र हमारे इष्ट है या हनुमान जी हमारे इष्ट है, लेकिन कन्हैयालाल कहते हैं कि अर्जुन तुम मेरे इष्ट हो, इष्टोसि मे। देखो ऐसे प्यार से लखपत जो भगवान श्री कृष्ण है वो बोल रहे हैं। इसका दूसरा अर्थ है भगवान किसको कहते हैं, इसके ऊपर भगवद गीता के तीसरे अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछने के बाद जब भगवान वहां जाता है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशना महापापमा विध्येनम यह वैरिणम। इस श्लोक पर भाष्य करने के पहले भगवान शंकराचार्य श्री भगवान उवाच इस शब्द पर अपनी टीका लिखते हैं। वहां कहते हैं भगवान किसको कहते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्ययो षण्णाम भग इति ऋणा। छह गुणों के संग्रह को भग कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य, जिसमें ऐश्वर्य है धर्म है पर समग्र पूर्ण रूप से है, और धर्म यश और श्री, हमेशा यश है श्री है उसमें लक्ष्मी है, और ज्ञान और वैराग्य इनकी पराकाष्ठा जिसमें है उसको कहते हैं भग। ये सब छह चीजों को जिसमें ये भग है उसको कहते हैं भगवान। तो ऐसे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के ये वचन है, और इसीलिए ये वचन देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इसके द्वारा परिच्छिन्न नहीं होते, और इसीलिए भगवद गीता नित्य नूतन है। ऐसे नहीं वो तो सुन लिया, वो छठवा अध्याय वो सुन लिया, सातवा तो यह कंठस्थ है, उन्नीसवां अध्याय ने वो नहीं सुना भी है, उन्नीसवां सुन लो फिर ठीक हो जाए। एक बार हम कहीं अब यहां तो हम पूरी चिंतन माला ले रहे हैं ना,
पहले ऐसे शुरू किया और 18 तक होने के बाद छुट्टी। तो एक बार हम कहीं यज्ञ के लिए गए और कोई देवी अध्याय ले रहे थे, देव सज्जन ने आकर के बड़े पढ़े लिखे आकर के हमको उससे स्वामी जी व्हाट इज द क्राइटेरिया दैट वी हैव सिलेक्टेड फोर्थ चैप्टर ऑफ गीता, अंग्रेजी मार रहा हूं। हमने कहा बिकॉज देर इज फोर्थ चैप्टर इन गीता, दूसरा कुछ कारण नहीं। बट यू कुड हैव सिलेक्टेड एनीथिंग एल्स, आई सेड यस, दूसरा भी अध्याय में लेता तो आपका प्रश्न बना रहता, समझो मैं सातवां अध्याय लेता, प्रश्न वही रहा, आपने सातवां अध्याय क्यों सिलेक्ट किया, सिर्फ आप एक अध्याय के बारे में प्रश्न नहीं पूछ सकते, बोले कौन से 19वां अध्याय, बोले ऐसा क्यों। हमने कहा प्रभु आप तो अच्छे हो इसलिए। तो भगवान ने इस तत्व का जो प्रतिपादन किया है वे परमात्मा के स्वयं के वचन है और इसलिए किसी प्रकार का इसमें संदेह इत्यादि नहीं करना चाहिए। अब भगवान के वचन जो है इसको हम आपको शॉर्ट में बताएंगे और कल इसकी सूक्ष्म बातें विस्तार से देखेंगे। भगवान ने कहा हे पार्थ, भगवान के वचन है, ये अच्छा ट्रांसलेशन है, भगवान ने कहा से भगवान के वचन है, जो हिंदी में भाषांतरण आता है ना, जैसे अपने गीता प्रैक्टिस में आपने पढ़ा होगा भगवान बोले अर्जुन बोला, ये क्या बम बोला है नारायण, लेकिन भाषा है क्या करें। तो ये भगवान के वचन है, भगवान की क्या वचन है, हे पार्थ, हे पृथापुत्र, हे अर्जुन। भगवान ने जब जब अर्जुन को भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया है तब इसके पीछे बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। पार्थ कहकर के पृथा का पुत्र कहा और यह जो पृथा थी ये वसुदेव जी की बहन थी, फिर उन्हीं को कुंती भोज राजा को दे दिया गया था क्योंकि उनकी कोई कन्या पुत्र नहीं था, इसीलिए उसी पृथा का नाम हो गया था कुंती। इसीलिए भगवान कृष्ण और अर्जुन ये एक दूसरे के भाई लगते हैं क्योंकि वसुदेव जी और कुंती जी ये एक दूसरे के भाई बहन थे और इसीलिए याद दिलाते हैं अर्जुन को भगवान कि हे पार्थ, हे पृथा पुत्र, जो तुमको मैं बता रहा हूं अपनी बात है, तुमको मैं कुछ झूठ नहीं बता रहा, क्योंकि भगवान के बोलने पर उस समय से तो क्या आज तक कोई विश्वास नहीं रखता। यदि हमारा भगवान के शब्दों पर विश्वास होता तो हम एलआईसी नहीं खरीदते, लेकिन वही भगवान के शब्द जब एलआईसी कहती है योगक्षेमं वहाम्यहम् तो तुरंत याद आ जाती है, लेकिन ये जो शब्द है योगक्षेमं वहाम्यहम् ये भगवद गीता की चुराए हुए एलआईसी ने, किसी ने पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन करनी चाहिए, कितना दुनिया से पैसा इकट्ठा कर लिया है भगवद गीता के लिए कुछ नहीं किया। तो हे पार्थ, हे प्रतापुत्र, जो मैं तुमको बता रहा हूं तुम्हारे ही पते की बात है, विश्वास रखो भगवान पर। पता नहीं क्यों लोग विश्वास नहीं रखते, हमारा विश्वास होता है पैसों पर, दोस्तों पर, अपने मां बाप पर, अपने पति पत्नी पर, सब पर होता है, यहां तक कि रेलवे टाइम टेबल पर। एक बार एक आदमी गया और वो बहुत झल्ला गया था, गुस्सा हो गया था, बोले जब तुम्हारी गाड़ी हमेशा लेट आती है तो टाइम टेबल क्यों छापा है। उसने कहा ये पता लगने के लिए कि कितनी लेट है, ये तो पता ही नहीं लगेगा कि कितनी लेट है, इसीलिए छापा है। गाड़ी टाइम पर आई इसलिए नहीं पता चले आज गाड़ी 6 घंटे लेट आती थी। नारायण, तो ऐसे अर्जुन को भगवान बता रहे कि भैया मेरे बोलने पर विश्वास रखा करो। कहते हैं 5 बातें भगवान ने इस श्लोक में कही। पहली बात मई आसक्त मना, दूसरी बात योगम युंजन, तीसरी बात मदाश्रय, चौथी बात
असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसी। और पांचवी बात, तश्रुणु, सुनो, सोना मत, मैं तुमको बता रहा हूं तो सोना मत। जहां जहां भगवान श्रुणु शब्द का प्रयोग करते हैं, एक बार हमको किसने कहा, स्वामी जी आप बीच में ऐसा क्यों कहते, जरा ध्यान से सुनना, हम के सोते रहते हैं क्या? हमने कहा तुमको कैसे पता कि तुम सोते हो कि नहीं? यहां से मुझे पता चलता है कि पूरे युद्ध के क्षेत्र का क्या वातावरण है। जब मैं देखता हूं कि 70% से ज्यादा सो रहे थे, तब मैं बोल देता हूं कि अरे उठो, जरा ध्यान से सुनो। और ये किसी का दोष नहीं, ये भगवान की लीला है। ये तो बाबा जी को और साधना करने के लिए, प्रवचन करने के लिए बताया है। जो जो बाबा जी लोग साधना करते हैं ना, प्रवचन करना ये उनके लिए अत्यंत आवश्यक अंग माना गया है। तो ये पांच बातें बताई है, इन पांचों के बड़े सूक्ष्म पहलू है, उसका क्या अर्थ है हम कल से प्रारंभ करेंगे विस्तार से। नारायणा कृष्णा गोविंदा वासुदेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।